हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम ठंडाई पाउडर बनाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में हम लोगों को ठंडाई पीना बहुत पसंद आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना घंटों ड्राई फ्रूट्स भिगोए इंस्टेंटली ठंडाई कैसे बना सकते हैं। प्लस इस ठंडाई पाउडर की खास बात यह है कि आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि हम लोग नॉर्मली ठंडाई बनाकर पीते हैं। तो आइए ठंडाई पाउडर बनाना शुरू करते हैं। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए मैंने ये आधा कप बादाम ले लिए हैं, एक चौथाई कप काजू लिए हैं, ये मैंने एक चौथाई कप पिस्ते ले लिए हैं, एक चौथाई कप खरबूजे की गिरी ले ली हैं, ये मैंने दो चम्मच सौंफ ली है, दो चम्मच सूखी गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, ये मैंने एक चम्मच खसखस ले ली है, ये मैंने 15-16 इलायची ले ली है, एक चम्मच काली मिर्च ली है, ये मैंने कुछ केसर के धागे ले लिए हैं और ये 1.5 कप चीनी ले ली है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें आधा कप बादाम डालेंगे, एक चौथाई कप काजू डालेंगे, एक चौथाई कप पिस्ते डालेंगे, एक चौथाई कप खरबूजे की गिरी डालेंगे और अब हम इसमें आधी चीनी डाल देंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। जार का ढक्कन लगाएंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में अलग निकाल लेंगे और अब हम दोबारा से ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें बचे हुए मसालों को पीसेंगे। 2 बड़ी चम्मच सौंफ डालेंगे, 2 चम्मच सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे, 15-20 छोटी हरी इलायची डाल देंगे, 1 चम्मच खसखस डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे और अब हम लास्ट में इसमें ये बची हुई चीनी डाल देंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने सारे मसालों को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे भी इस बाउल में डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ठंडाई बनाने में काजू नहीं डालते और कुछ लोग पिस्ते भी नहीं डालते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा ठंडाई पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ आप चाहें तो ठंडाई पाउडर को छान भी सकते हैं, पर पर्सनली मुझे ठंडाई पाउडर ऐसे ही पसंद है क्योंकि जब ठंडाई में छोटे छोटे नट्स आते हैं तो हमारी ठंडाई का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इस ठंडाई पाउडर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे कंटेनर में स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही गर्म भर देंगे तो आपका ठंडाई पाउडर ख़राब हो सकता है। तो ये लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं, हमारा ठंडाई पाउडर अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इस तरह कोई भी कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें इस ठंडाई पाउडर को स्टोर करेंगे। आप इस ठंडाई पाउडर को 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्लास में 2-3 आइस क्यूब्स डालेंगे, 2 चम्मच भर के ठंडाई पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें 1 ग्लास चिल्ड दूध डाल देंगे और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी ठंडाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इस ठंडाई को ऐसे भी पी सकते हैं या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उससे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फूल जाएंगे जिससे हमारी ठंडाई का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर ही थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और केसर डालकर इसकी गार्निशिंग कर देंगे और इसे ऐसे ही ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इंस्टेंट ठंडाई बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।